हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैप्सूल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ पी की अपनी अगली क्लास को लेकर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट रोड्स। दोस्तों, हमने अब अपनी पिछली क्लास में WBM रोड के बारे में पढ़ा था कि WBM रोड क्या होती है, WBM रोड का नाम कैसे पड़ा, यह किन सामग्रियों से बनाई जाती है, तथा चित्र के बारे में भी डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग कंक्रीट सड़कों में जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। कंक्रीट सड़कों में जोड़ क्यों दिए जाते हैं, क्या होते हैं, यह सड़क में क्या रोल प्ले करता है, तथा चित्र के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग कंक्रीट सड़कों में जोड़। कंक्रीट सड़कों में जोड़ क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग जॉइंट्स इन कंक्रीट रोड के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब कंक्रीट की सड़क में पेवमेंट ताप परिवर्तन के कारण होने वाले मुक्त प्रसार कॉमा संकुचन तथा ऐंठन को रोकने के लिए जो जोड़ दिए जाते हैं, वह कंक्रीट सड़क का जोड़ कहलाता है। स्थिति के अनुसार यह जोड़ दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रस्थ जोड़, दूसरा है अनुदैर्ध्य जोड़। तो दोस्तों, अनुप्रस्थ जोड़ के बारे में हम देखेंगे। अनुप्रस्थ जोड़ क्या होता है? दोस्तों, जब जोड़ को सड़क की पूरी चौड़ाई में लगाए जाते हैं, तो यह जोड़ अनुप्रस्थ जोड़ कहलाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर एक, प्रसार जोड़। नंबर दो, संकुचन जोड़। और नंबर तीन, ऐंठन जोड़। और नंबर चार, निर्माण जोड़। पहला, प्रसार जोड़। प्रसार जोड़ दोस्तों क्या होता है, हम देखेंगे कि यह जोड़ सड़कों में इसलिए दिया जाता है ताकि तापक्रम के बढ़ने पर कंक्रीट स्लैब के मुक्त प्रसार तथा तापक्रम के घटने पर संकुचन में सहायता प्रदान करता है। यह जोड़ स्लैब की मोटाई के आधार पर 20 मीटर से 30 मीटर के अंतराल पर बनाए जाते हैं, तथा इन जोड़ों का गैप 25 mm तक रखा जाता है, और इन गैपों में सीलिंग कंपाउंड भर दिया जाता है ताकि इसमें पानी प्रवेश न हो। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर आप कितनी भी अच्छी रोड अगर आप बना दें, अगर उस पर पानी रुकने लगे या पानी रिस कर रोड के सब ग्रेड में जाने लगे, तो आपकी रोड क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है? तथा दोस्तों, इसमें डबल छड़ भी डाल दिया जाता है। दूसरा दोस्तों, संकुचन जोड़। संकुचन जोड़ क्या होता है? जब तापमान घटता है तो कंक्रीट के आयतन में सिकुड़न होती है, जिसकी वजह से कंक्रीट के कण एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इनके अंदर टेंशन उत्पन्न हो जाता है। इन टेंशन स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम संकुचन जोड़ देते हैं। संकुचन जोड़ का अंतराल 4.5 मीटर से 7.5 मीटर तक रखा जाता है। अगर सड़क पर भारी यातायात है तो इसमें भी आप डावेल बार का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, ऐंठन जोड़। ऐंठन जोड़ क्या होता है?
जब स्लैब की ऊपरी सतह निचली सतह में तापमान के अंतर के कारण ऊपरी सतह निचली सतह के अपेक्षा कम या अधिक फैल जाती है, जिससे कि स्लैब में ऐंठन आ जाती है। ऐंठन के कारण उत्पन्न प्रतिबलों को सीमा के अंदर रखने के लिए ऐंठन जोड़ लगाए जाते हैं। इस जोड़ में टाई बार दबा दी जाती है ताकि जोड़ खुल ना सके। हमारा चौथा निर्माण जोड़ है। निर्माण जोड़ क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट कहते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए हम इंग्लिश में नहीं नाम ले रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जब बड़े बड़े कंक्रीट कार्य एक दिन में पूर्ण ना होकर कई दिनों से लेकर सप्ताहों तक चलते रहते हैं, तो वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट दिए जाते हैं, यानी कि निर्माण जोड़ वहाँ पर दिए जाते हैं। यह जोड़ विशेष कारण से भी दिए जाते हैं, जैसे निर्माण कार्य को आधे घंटे से अधिक रोकना पड़े। जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सारे चित्र इस पर बनाए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे चित्रों को अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लेंगे। पहला चित्र जो है आपका प्रसार जोड़ का है, दूसरा चित्र आपका संकुचन जोड़ का है, और तीसरा चित्र जो है ऐंठन जोड़ का है। दोस्तों, आगे हम चलेंगे। अनुदैर्ध्य जोड़ क्या होता है? अनुदैर्ध्य जोड़, दोस्तों, जब सीमेंट कंक्रीट स्लैब सड़क में अनुलंब दरारों को रोकने के लिए जो जोड़ लगाते हैं उसे अनुदैर्ध्य जोड़ कहते हैं। तो दोस्तों, आज की टी की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आप हमारे पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स अधिक हो जाएं। सब्सक्राइबर्स अधिक होने पर हम आप लोगों के लिए दोस्तों लाइव क्लास लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।